नासिक से लगभग 8 घंटे के सफर के बाद अब हम आ गए हैं परभणी रेलवे स्टेशन। यहाँ से लगभग अब 50 किलोमीटर की दूरी पर है श्री परली वैद्यनाथ धाम। यहाँ से हम दूसरी ट्रेन पकड़ के परली वैद्यनाथ धाम के लिए निकलने वाले हैं। परभणी से हम लोग आए हैं परली वैद्यनाथ धाम, अभी स्टेशन में उतरे हैं, अब जा रहे हैं मंदिर की ओर। यहाँ परली वैद्यनाथ धाम का टिकट काउंटर वगैरह आप देख लीजिए। ये स्टेशन के बाहर जैसे आएंगे तो मंदिर जाने के लिए आपको टैक्सी ऑटो बस आसानी से आपको यहाँ मिल जाएंगे, बस मिल जाएंगी, टैक्सी मिल जाएंगी मंदिर जाने के लिए। मंदिर यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर केवल है। अभी हम लोग ऑटो कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, देखते हैं मंदिर का आगे कैसा क्या हाल है। ये अभी हमको ऑटो वाले भैया ने मंदिर के बाहर छोड़ा है। अभी ये मंदिर के बाहर का दृश्य है, देख रहे हैं आप। जुलाई का महीना है, ज़रा भीड़ भाड़ नहीं है और दुकानदार से हमने बात कर बताया कि आधे घंटे 1 घंटे में दर्शन आराम से हो जाएंगे। आपको हर जगह की तरह यहाँ पर भी परली वैद्यनाथ धाम में भी भक्त निवास प्रवचन सभा का छाप देखिए, सामने लिखा है भक्त निवास, यहाँ मिल जाएगा। यहाँ खाने की रुकने की सारी व्यवस्था ट्रस्ट की तरफ से की जाती है। इसके अलावा भी यहाँ पर दुकानें हैं खाने की हैं, चाय नाश्ता दुकानें, खूब सारे रुकने होटल भी हैं। आप स्टेशन से यहाँ आएंगे तो यहाँ पर आपको आराम से होटल मिल जाएंगे, कोई भीड़ भाड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा खाली मैदान है। अभी अभी आपको दिखाया मैंने पीछे भक्त निवास आश्रम बने हैं, यहाँ के आप रूम ले सकते हैं, आराम से रुक सकते हैं और रुकने के साथ साथ वहाँ पर खाने की नाश्ते सब व्यवस्था है मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से। अभी हम जा रहे हैं, आप देखेंगे मेरे पीछे ऐसा मैं जा रहा हूँ मंदिर के लिए। सामने क्लॉक रूम है, वहाँ लगेज रखूँ खुद अपना। इसके बाद एक पंडित जी से हमारी बात हुई है, पंडित जी ने कहा कि 500 रुपये लगेगा, आपको हम शिवलिंग का अभिषेक कराएंगे, दर्शन कराएंगे, टच कराएंगे। क्लॉक रूम में सामान रखने के बाद अब हमारा अगला पड़ाव है स्लीपर स्टैंड, जो कि आप देखेंगे बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर स्लीपर उतारते हैं और जाते हैं मंदिर के अंदर। और आपको मैं बता दूँ परली वैद्यनाथ धाम में भी अन्य जगह की भांति यहाँ पर भी प्रसादालय की व्यवस्था है, जिसमें आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं और आपको नाश्ता भी मिलता है। ये मंदिर के भी अंदर आए तो यहाँ पे लाइन लगी है प्रसाद की, जो प्रसाद मिल रहा है यहाँ पे। ये मंदिर का प्रवेश द्वार, अभी मंदिर के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। आप देखिए आगे आगे पंडित जी जा रहे हैं, जो कि हमको अभी अभिषेक कराने जा रहे हैं, अभिषेक कराएंगे हमें वो शिवलिंग का। आपको अगर मैं दिखाऊँ तो प्रांगण में ही लगी है LED स्क्रीन, जिस पर दर्शन हो रहे हैं भगवान भोलेनाथ जी के। आप देखेंगे कि मंदिर के अंदर लाइन लगी है दर्शन करने के लिए। अभी हमने पंडित जी से बात की है, जैसे मैंने बताया पंडित जी से 500 रुपये में बात हुई है रुद्राभिषेक कराने के लिए। तो उसके लिए अभी 2 लोगों की वेटिंग लिस्ट है, यानी कि अभी हम लोग को 15 से 20 मिनट वेट करना होगा, इसके बाद हमारा नंबर आएगा। यहाँ पे लोग बैठे हैं वेटिंग वाले, जिनको भी अभी आगे नंबर आना है, जिनको अभी रुद्राभिषेक आगे करना है। रुद्राभिषेक के पहले जो पूजा होती है, तो पंडित जी ने गर्भगृह के बाहर ही प्रांगण में ये पूजा करा रहे हैं। इसके पश्चात जैसे ही हमारा नंबर आएगा तो गर्भगृह में रुद्राभिषेक के लिए बुलाया जाएगा। हमारे साथ अभी महाराज जी हैं, इनसे हम आइए पूछते हैं कि परली वैद्यनाथ धाम जी का क्या इतिहास है और यहाँ का क्या विशेष महत्व है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में 5वें ज्योतिर्लिंग है। पहले सौराष्ट्र सोमनाथ इनसे गुजरात वाले, दूसरे श्रीशैल्य मल्लिकार्जुन आंध्रा वाले, तीसरे उज्जैन महाकाल, चौथे ओंकार ओमलेश्वर उदोय मध्य प्रदेश में, और ये परल्या वैद्यनाथन से शोक के गणना से इनका 5वां नंबर आता है। ये मेरुगिरी पर्वत है, इस मेरुगिरी पर्वत के ऊपर बैठ के वैजुबा नाम के भक्त ने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और वरदान स्वरूप में शिवलिंग मांग लिया। तो शिव जी ने तथास्तु कह के शिव जी और भक्त अंतर्दान हो गए पाताल में, और पाताल से स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ऊपर आ गए। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और एक विशेष महत्व है यहाँ का। इस लिंग के अंदर धनवंतरी अमृत कलश के साथ विष्णु जी गुप्त रूप में है। अमृत पीने से अमर होता है, लेकिन धनवंतरी खाने से रोग मुक्त होता है, ऐसे धनवंतरी वैद्यनाथ है। इसलिए यहाँ का अभिषेक करने से, स्पर्श दर्शन करने से, टीका करने से, बिल्व पत्र खाने से जो अपने शरीर में कष्ट व्याधि पीड़ा रोग है उसका निवारण होकर अपना शरीर तेजस्वी बनता है। बोलो वैद्यनाथ भगवान की जय। ये वैद्यनाथ मंदिर की परिक्रमा मार्ग है, यहाँ का दर्शन बहुत ही अद्भुत। और यहाँ का इतिहास क्या है आपने अभी पंडित जी सुना ही है। पंडित जी ने हमें बुलाया है, हमारा रुद्राभिषेक करने के लिए हमारा नंबर आ चुका है। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं गर्भगृह में और दिखाते हैं रुद्राभिषेक। गर्भगृह के बाहर मैया पार्वती विराजमान है, आप देख सकते हैं। और अब धीरे धीरे हम प्रवेश कर रहे हैं गर्भगृह के अंदर।
जहाँ पे हमें रुद्राभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अभी आप देख सकते हैं सामने कुछ लोग बैठे हैं जो कि श्री वैद्यनाथ धाम जी का रुद्राभिषेक कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमें भी ऐसा ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह मोबाइल अलाउड नहीं था, लेकिन कारण दर्शन कराने ये परली वैद्यनाथ धाम जी का भक्त निवास, जहाँ की मुफ्त भोजन की व्यवस्था है जो कि सुबह 11 बजे चालू होती है। अभी हम देखते हैं अंदर कैसा क्या है। ये आप जाएंगे पहले रिसेप्शन है, यहाँ पे आपको कूपन मिलेगा फ्री में, इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा। इस कूपन के जरिए आप अंदर जाएंगे। अभी हमारी यात्रा पूरी हो गई है वैद्यनाथ धाम की। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बहुत आसान है यहाँ पहुँचना, कोई मुश्किल नहीं है। आप नासिक से या मंडमार से आराम से यहाँ पहुँच सकते हैं, परभनी रेलवे स्टेशन। उसके बाद आपको यहाँ के लिए ट्रेन मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, टैक्सी मिल जाएगी। कि आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही हम अपना सहयोग देते रहें। परली वैद्यनाथ धाम की यात्रा निश्चित रूप से बहुत सुगम, शानदार और ज़बरदस्त रही। अगर आप यहाँ आएँ तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप यहाँ कब आए, आपको यहाँ कैसा लगा और कैसा रहा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस। चलिए अब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय महादेव।